नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। चिन्हौर तहसील क्षेत्र के ग्राम दौलतपुर रिछोरा में गेहूं कटने के तुरंत बाद बोर साधन वाले कुछ किसानों ने गर्मी के सीजन में धान लगाना शुरू कर दिया है। जून महीने तक धान कट जाएगी और जुलाई महीने के द्वारा लगाना शुरू हो जाएगी। किसान देवा सरदार, संदीप सिंह, अमरीक सिंह, बलवीर सिंह, मुखविंदर सिंह ने बताया कि गर्मी के सीजन में गेहूं कटने के बाद खेत खाली पड़े रहते हैं, इसलिए कुछ किसानों के पास पानी का साधन है। वही किसान धान लगा रहे हैं और इसकी पैदावार 13 से 15 क्विंटल के बीघा होती है और बारिश के सीजन में लगाई हुई धान की पैदावार 8 से 10 क्विंटल के बीघा होती है। 11 महिलाओं ने कल से ही धान लगाना शुरू किया है। 10 से 15 दिन तक काम चलेगा। कोरोना वायरस से बचाव के लिए हम सभी महिला मास्क लगाकर काम कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रहे हैं। चिन्नौर से संवाददाता ज्ञान सिंह मौर्य की रिपोर्ट। धान लगाई भाई, कब कटेगी ये जाके? आषाढ़ में जाकर कटेगी, बाद में फिर दूसरी लग जाएगी। अच्छा, तो आपने ये धान लगाना शुरू कब से किया है? कल से किया है। तो कितने बीघा में धान लगा दी कल से? कल से लगा दी 2 बीघा में, हमें लगाना है 30 तारीख तक। 30 तक लगाना, मतलब कितने बीघा धान लगना है इनकी? लगभग इनकी लगने 20-30 लगने। अच्छा, 20-30। तो आप कितनी महिला अभी धान लगाने का कार्य कर रही हैं? अभी यहाँ 11 जनी महिला है, 4 पुरुष। अच्छा, तो इस गांव में इस सरदार जी के अलावा और लोगों की भी धान लग रही है क्या? लगेगी, बहुत की लगेगी। तो ये धान में जैसे अभी लगाई तो कम से कम कितने मन के बीघे जो निकलती है गर्मी की धान और जैसे बरसात की जो धान लगाते हैं तो इसमें कुछ कम्बल झराव होता है? बराबर ही झराव होता है, अच्छी देखा वाली करते हैं तो अच्छी होती है। अच्छा,